दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में, जिसमें जो गरीब परिवार होते हैं उसको जो है सरकार की तरफ से आर्थिक मदद किया जाता है घर बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो वो गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं या गलत तरीके से अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका ये प्रधानमंत्री आवास योजना पास नहीं होता और उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप किसी से भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे आप अपने फोन से, आप अपने लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी साइबर कैफे से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे आना है, गूगल पे आके जो है PMAY अर्बन टाइप करना है, उसके बाद आपको इस टाइप का खुलेगा, इस पहले वाले ही वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक पॉपअप नोटिस होता है जिसमें आपको ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए कोई भी किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरना है, निःशुल्क भरा जाएगा। अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप पैसा नहीं दें, क्योंकि पैसा की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे मांगा जाए तो आप इस सारे नंबर पे आप कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर इनके मेल डाल सकते हैं या इस नंबर पर कॉल करके आप इनकी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, इस टाइप में वो सारे डिटेल्स आपको बताया गया है कि क्या क्या चाहिए आपको, मतलब कितने तरह का क्या जो होता है ये फॉर्म होते हैं, जैसे बेनिफिशरी, लेट कंस्ट्रक्शन, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, AHP, तो हम आपको सबको बताएंगे। चलिए हम पहले देखते हैं कि अप्लाई फॉर PMAY U 2.0, इस पे आते हैं। इस पे तो आपको दिखेगा कि तीन तरीके का यहाँ पे होता है, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसमें जो है आपको 3 लाख रुपए तक मिलता है और आपका जो लैंड हो वो 45 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 450-480 स्क्वायर फीट के हिसाब अकॉर्डिंग हो जाता है। उसके दूसरा होता है अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप, जैसे आप देखोगे शहरी इलाका में फ्लैट टाइप का घर बनता है, तो फ्लैट अगर बन रहा है वहाँ पे आप अगर घर ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 2.5 लाख रुपए तक का आपको सरकार से मदद मिलेगी। अफोर्डेबल रेंटर हाउसिंग, ये जो है बेसिकली मजदूर के लिए या कहीं स्ट्रीट वेंडर के लिए होता है, जो कि सरकार रेंट पे आपको घर देती है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, अगर किसी का जो है हाउसिंग लोन चल रहा है तो उसमें जो है आपको सब्सिडी के तौर पे पैसे मिलेंगे, जैसे EWS वाले को 3 लाख रुपए अगर इनकम है तो मिलेगा, LIG MIG जैसे 6 लाख 9 लाख इनकम होगा तो उस हिसाब से आपको ये पैसा आपको मिलेगा। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बेसिकली जो है क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो है, जो एप्लीकेशन है, जो अप्लाई करेगा उसका आधार कार्ड चाहिए, आधार डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर का भी आधार डिटेल चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन डालोगे जिसके नाम से फॉर्म भराएगा उसका एक्टिव बैंक अकाउंट चाहिए, इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और लैंड डॉक्यूमेंट, जिस जमीन पर आप घर बनाओगे उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर अप्लाई करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है हाउस होल्ड इनकम डालना है, क्योंकि जैसे आप इनकम डालोगे तो उसके बाद जो है आपको वो उस अकॉर्डिंग जो है आपको पैसा मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी की 10,000 की सैलरी है तो 1,20,000 जो होता है वो साल में होता है। ठीक है, उसके बाद जो आप BLC में करना चाहते हो कि HP ICS, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में शुरू में ही बता दिया है ये सारे क्या क्या होते हैं, तो हम BLC में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, आपका इंडिया में कहीं भी पक्का हाउस है तो नो पे क्लिक कर देना। हैव यू अवेल बेनिफिट अंडर हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स, अगर पिछले 20 साल में भी अगर आपने वो किसी भी सेंट्रल के गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी इस टाइप का स्कीम लिया हो तो आप यस कर सकते हो, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको नो करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो फिर आगे बढ़ना है, तो एलिजिबिलिटी चेक आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको जो आधार पे नाम होगा वो डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल लेते हैं। ठीक है, आधार डालने के बाद हम ना आधार पे नाम डाल लेते हैं, जो मेरा नाम है आधार पे। ठीक है, तो जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो भी लिंक मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार से उस पे आपको एक OTP मिलेगा।
ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला है जिसमें हमने बताया कि कैसे आप अपना मोबाइल नंबर के जो है घर बैठे जो है आप अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। तो वो वीडियो जाके आप उस तरीके से आप अपना आधार से मोबाइल नंबर लिंक करवा लेंगे, क्योंकि बिना आधार के लिंक हुए जो है आपका जो फॉर्म है ये अप्लाई नहीं होगा, या कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट जो है अब बिना मोबाइल नंबर अपडेट के मिलता नहीं है। तो हम ओटीपी का इंतजार करते हैं, ओटीपी अभी तक आया नहीं। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद हम सबमिट में क्लिक करेंगे, जो सबमिट करके इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है लैंडलाइन कंस्ट्रक्शन नाम डिटेल पैन कार्ड आपको डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है, उसके बाद जेंडर फिल कर देना है, मैरिटल स्टेट आप शादीशुदा हैं या अभी अनमैरिड हैं, उसके बाद फादर्स नेम डालना है जो आधार पे होगा, फादर्स का आधार नंबर डालना है, मदर्स नेम डालना है, मदर्स के आधार नंबर डालना है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस डालना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड है, रेगुलर वेजेज है, लेबर है, जो भी होगा आपका वो डाल देना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है कि आप नॉन एजुकेशन है या मैट्रिक तक पढ़े, इंटर तक पढ़े, ग्रेजुएशन तक, जो भी आपका होगा वो डाल दीजिएगा, हाउस होल्ड कैटेगरी डाल दीजिएगा जो कि ऑलरेडी WS में टिक है क्योंकि हमारा जो है 2.5 लाख से कम की इनकम है साल में। ठीक है, वेदर द पक्का हाउस अगर है तो वो तो नो पहले ही सेलेक्ट है। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, डू यू बिलोंग टू PM समिति बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर अंडर PM, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं या सफाई कर्मी हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, वरना नो करके अलग भरना है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि जनरल है, SC ST है, OBC है, अगर रिसाइडिंग आउटसाइड स्टेटरी टाउन यू विल बी बट नॉट, अगर आप इंडिया से बाहर रहना है बाहर रह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, परमानेंट एड्रेस डाल देना है, और उसके बाद जो है आप हाउस कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस डालना है कि आपको जो है ये घर है कहाँ पे बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद जो है लैंड डॉक्यूमेंट जो जमीन का कागज होगा उसको अपलोड करना है, उसके बाद मतलब आप जो है कहाँ पे रह रहे हैं, वर्तमान शहर कहाँ पे रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं वो क्लिक स्टे कर देना है। प्रेजेंट हाउस ऑनरशिप आप किसके अभी घर में रह रहे हैं, अपने में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं या आपका कोई घर ही नहीं है, तो क्लिक कर देना। फैमिली मेंबर के जितने भी आपके लोग होंगे सबका यहाँ पे डिटेल डालना है, आपके परिवार में कितने लोग हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट डालना है, जो एप्लीकेंट है उसका बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है। बैंक अकाउंट डालने के बाद अगर आपने इससे पहले जो है कोई भी अमृत 2.0, SBM 2.0 का अगर मुफ्त बिजली बिल योजना, आयुष्मान भारत, इस टाइप का कोई भी आपने कनेक्शन लिया हो तो अपने यस कर देना। उसके बाद टिक लगा के जो है सेव करके सुरक्षित कर देना है, उसके बाद फाइनल आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट आप जैसे ही करोगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है आपका आप जो है स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो। आपको फाइनल सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपको एक जो है मतलब एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर को आपको रख लेना है सेव करके, क्योंकि बाद में उसी एप्लीकेशन नंबर से जो है आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका वो पास हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।